और देखिए अब क्या जनसंख्या जिहाद से असदुद्दीन ओवैसी प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब लिए बैठे हैं। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि बड़े करीबी नेता असदुद्दीन ओवैसी के AIMIM पार्टी के बड़ा अजीबोगरीब बयान दिया। उन्होंने ये कहा, ये दावा किया दरअसल कि मुसलमानों को ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने होंगे तभी असदुद्दीन ओवैसी प्रधानमंत्री बन पाएंगे। तो यही सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या यही जनसंख्या जिहाद को लेकर के इस बार AIMIM उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में है। आइए आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते और सुनाते भी है क्या कहा है AIMIM के नेता ने। जनसंख्या जिहाद से ओवैसी जीतेंगे चुनाव। चार बीबी 40 बच्चे तो ओवैसी बनेंगे प्रधानमंत्री। अबे जब तक बच्चे ना होंगे तो कैसे हम लोग राज करेंगे? मुसलमानों को डराया जा रहा, बच्चे बंद करें, क्यों करें बच्चे बंद? तो सुना आपने, ये जनाब मुस्लिम आबादी बढ़ाने और ज्यादा बच्चे पैदा करने की वकालत कर रहे हैं। इनका कहना है कि मुस्लिम आबादी बढ़ाओगे तो असदुद्दीन ओवैसी PM बन जाएंगे। खुद को मुस्लिमों का ठेकेदार समझने वाले असदुद्दीन ओवैसी का चेला क्या कह रहा है, एक बार फिर आप सुनिए। लोगों ने कि बच्चे पैदा मत करो, मतलब लोगों ने कि बच्चे पैदा मत करो, एक बच्चा बच्चा, दो बच्चे अच्छे। अबे जब तक बच्चे ना होंगे तो कैसे हम लोग राज करेंगे? कैसे हमारे ओवैसी साहब प्रधानमंत्री बनेंगे? कैसे शौकत साहब हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे? वोट नहीं होगा। दलितों को डराया जा रहा कि बच्चे बंद करो, मुसलमानों को डराया जा रहा बच्चे बंद करो, क्यों करें बच्चे बंद? आबादी यानी जनसंख्या जिहाद की बात करने वाला गुरफान नूर नाम का यह शख्स यूपी के अलीगढ़ में AIMIM का जिला अध्यक्ष के तौर पर है और ओवैसी के कितने करीबी है कि उन्हें PM बनवाने के लिए मुस्लिम महिलाओं को बच्चे पैदा करने की मशीन बना डालने में भी उन्हें कोई गुरेज नहीं। बच्चे पैदा तो जानवर भी कर लेती है, ये दिमाग में रख लीजिए। महिलाओं को बच्चे पैदा करने की मशीन ना समझे वो। ये 7 निकाह करेंगे, ये 8 निकाह करेंगे, महिलाओं के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ करेंगे। धन्यवाद दूंगी भारत वर्ष के आदरणीय सम्मानीय विश्व शिरोमणि नरेंद्र मोदी जी के लिए, जो उन्होंने ये प्रस्ताव पारित किया कि 1 से ज्यादा कोई भी शादी नहीं कर सकते। अब सवाल यह है कि क्या गुरफान खुद से मुसलमानों को 4 बीवी 40 बच्चों के लिए उकसा रहा है? ये ओवैसी की पार्टी और उनके जैसे नेता वोट युद्ध में इसे एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते रहे हैं। गुरफान नूर का ताजा बयान एक वानगी है जिसकी तस्दीक खुद ओवैसी के पुराने बयानों में मिलती है। जनसंख्या नियंत्रण वक्त का तकाजा है, पर जनसंख्या जिहाद पर शिकंजे की बात से ही ओवैसी जैसे नेताओं को इतनी मिर्ची क्यों लगती है कि वो मर्दानगी की ललकार पर उतर आते हैं?